तो गैस किसी भी एंड्रॉयड 11 और 12 को छोड़ के जो मोबाइल का वाईफाई फीचर्स होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जैसे आप एंड्रॉयड 12 या 13 या फिर 11 में आते हैं तो उसमें जो वाईफाई का फीचर्स है वो थोड़ा बदलने लगता है। स्वागत करता हूँ एक बार फिर मोटोरोला सॉल्यूशन में। तो गैस अगर आप मोटो के मोबाइल यूज़ करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको मोटो के ऊपर ही वीडियो मिलेंगे। सो ये मोबाइल है मोटो G22, मतलब मोटोरोला का एक मोबाइल है। इसमें अगर आपको वाईफाई चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करना होता है, फिर डाटा और वाईफाई एक ही ऑप्शन में होता है, आपको उस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर देखिए जो वाईफाई वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वाईफाई ऑन है और यहाँ पर एक ऑप्शन है वाईफाई प्रेफरेंस। सो अगर आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा टर्न ऑन ऑटोमेटिकली वाईफाई। जब आपका कोई हाई क्वालिटी वाईफाई आपका घर में हो या फिर कहीं पर भी हो तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली ऑन होके कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप शायद इस ऑप्शन को ऑन करके रख पाएंगे। दूसरे नंबर में एक ऑप्शन है कि नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क। अगर कोई पब्लिक प्लेस पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, कोई भी स्टेशन, शॉपिंग मॉल, उस एरिया पे अगर वाईफाई नेटवर्क होगा पब्लिक का, तब आपका जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे या फिर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे जिससे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसके बाद अगर वाईफाई नॉट कनेक्टेड ऑप्शन प्रॉब्लम होता है तो वाईफाई यहाँ पर दिखे क्लिक करने से नॉट कनेक्ट प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेव नेटवर्क होता है आपको इस ऑप्शन पे जाना है, फिर जो ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाएंगे आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पर दिखे एक ऑटो कनेक्ट एक ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, ये जो ऑटो कनेक्ट ऑप्शन है इसे ऑन करके रखना है, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी ऑप्शन पे जैसे कि रेडमी 9 पे अभी क्लिक करके आप ऑटो कनेक्ट ऑन कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे आप ऑटो कनेक्ट ऑफ करके रख पाएंगे या फिर आप उस ऑप्शन को ऑन भी कर पाएंगे। यहाँ पर भी जो भी सेटिंग है आपको सिर्फ एक बार अच्छा से ढूंढ के देखना है, सब कुछ प्रॉब्लम इसी वाईफाई में ही होता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।